ओम हनुमते नमः। नमस्कार मित्रों, मैं अविरल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नेट। मित्रों, विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आजकल हम बात कर रहे हैं कुछ चमत्कारिक वस्तुओं की। उसी श्रृंखला में आज बात कर रहे हैं चमत्कारिक गुलर की और या गुलर की जड़ की। गुलर फिकस फूल का एक विशाल वृक्ष है। इसे संस्कृत में उडुम्बर, बांग्ला में डुमुर, मराठी में उदुम्बर, गुजराती में उम्बरा, अरबी में जमीच तथा फारसी में अंजीरे आदम कहते हैं। इस पर फूल नहीं आते, इसकी शाखाओं पर सीधे फल ही उत्पन्न होते हैं। मान्यता अनुसार गुलर में एक ही फूल आता है और वह दिव्य होता है। उसके संदर्भ में हम अपना एक नया वीडियो शीघ्र प्रकाशित करने वाले हैं। इसके फल गोल अंजीर की तरह होते हैं, इसमें से सफ़ेद दूध निकलता है। गुलर दो प्रकार का होता है, नदी उदुम्बर और कठुमर। कठुमर के पत्ते गुलर से भी बड़े होते हैं। इनको छूने से हाथ में खुजली होने लगती है। गुलर औषधीय गुणों से भरपूर होता है। गुलर की छाल अत्यंत शीतल, दुग्धवर्धक, कसैली, गर्भहितकारी और वर्ण विनाशक होती है। कोमल फल स्तंभक, कसैले हितकारी तथा कफ और रुधिर दोष नाशक होते हैं। मध्यम फल स्वाद शीतल, कसैले मोहकारक, वमन तथा प्रदर रोग नाशक होते हैं। तरुण फल मांसवर्धक, रुधिर दोषकारी और दोषजनक होते हैं। और गुलर के पके हुए फल पित्त, दाह, क्षुधा, त्रसा, श्रम, प्रमेह, शोक और मूर्छा नाशक होते हैं। गुलर की जड़ पुरुषत्व संबंधी दोषों को नष्ट करती है। शुक्राणुओं की वृद्धि में भी सहायक है। गुलर का तंत्रीय प्रयोग भी किया जाता है। गुलर शुक्र ग्रह का प्रतिनिधि है। शुक्र संबंधी दोषों को दूर करने के लिए गुलर की जड़ शुक्रवार को सफ़ेद कपड़े में सिलकर सफ़ेद धागे में धारण करनी चाहिए। गुलर की जड़ ताबीज रूप में धारण करने से धनागम का मार्ग प्रशस्त होता है और भूत प्रेत की समस्या का समाधान होता है। गुलर की जड़ शुक्रवार को लाकर गंगा जल से धो लें और चांदी की डिब्बी में सिंदूर भरकर उसमें रखें तो प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा होती है। यही प्रयोग व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में करने से वहाँ कभी चोरी नहीं होती। तो मित्रों, हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं? अगर अच्छे लग रहे हैं तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार।